Okay, students. Now we are going to discuss the MCQ question because it is very important for pre-midterm exam. Okay, ये आपके pre-midterm exam में जो भी आपका है उसको हम MCQ question आपको practice कराते हैं. और MCQ question बहुत important है. आपके board में भी 20 marks का question MCQ आता है. और आपका जो है 20 marks का board में भी आपका 20 marks का question आपके MCQ आएगा. तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से एमसीक्यू को आपको करना है. और यहाँ पे जो आपके एग्जाम होने वाला आपका हो सकता है, इट में भी आप कोई भी सीबीएसई स्कूल के हो, वहाँ पे आपका जो है जनरली जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड पे ही एग्जाम होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए आप एमसीक्यू को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें. और एमसीक्यू अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा जब एमसीक्यू सबसे जो क्वेश्चन एमसीक्यू बना सकता है वो जो है एक्चुअली उसके पास सारा थ्योरी अप टू डेट होना चाहिए. जब तक थ्योरी उसके पास अप टू डेट नहीं है तब तक वो एमसीक्यू बना नहीं सकता है. ठीक है, तो आपको क्या है एक एक क्वेश्चन करके हम आपको सबसे पहले हम रियल नंबर का स्टार्ट कर रहे हैं. अगर रियल नंबर से स्टार्ट करके पूरा आज एक रियल नंबर उस रियल नंबर और रियल नंबर उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स आएंगे. और उसके बाद जो है पॉलिनोमियल्स उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स करेंगे और क्लास 10 का रहेगा. ठीक है, क्लास 10 मैथ्स का. तो हम शुरू से रिवाइज कर रहे हैं हम. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का हम टाइप बाय टाइप कर रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, आपको कैसे इसको बनाया जाता है, क्वेश्चन लिख लिख के आपको बताएंगे. सबसे पहला हम एमसीक्यू यहाँ पे, ये पहला आपका लेक्चर है एमसीक्यू का. ठीक है, इस तरह करके हम अभी एक हर आपका लेक्चर ये जो होगा आपको मिलते रहेगा ये रियल नंबर से. उसके बाद आपको पॉलिनोमियल्स मिलेगा, उसके बाद आपको ट्रायंगल्स मिलेगा. तो इस तरह करके आपको सीरीज में जो होगा आपको मिलते चलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू के ऊपर फोकस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग एक एमसीक्यू हम लोग बनाते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन ये है, आपको क्वेश्चन के थ्रू से जाना है. वैसा नहीं आपको जब तक क्वेश्चन को आप नहीं लिखते हैं तब तक आपको ये थोड़ा सा परेशानी होगा क्योंकि सेंटेंस के थ्रू से आप नहीं जा सकते. ओके, सो प्लीज चेक द क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ कोप्राइम, इज ए पेयर ऑफ कोप्राइम. ओके, पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर. सो क्वेश्चन आप देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है. नंबर ऑप्शन नंबर 1 ये है आपका 1435, ये आपका 1435. ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है 1825. ऑप्शन नंबर सी जो है 3193. और ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 32 एंड 62. ओके, तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये रखना है व्हाट इज द कोप्राइम नंबर. ठीक है, आप जो है सबसे पहले जो है आपके दिमाग में रखना होगा क्या कोप्राइम नंबर होता है. तो सबसे पहले देखिए कोप्राइम मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कोप्राइम मतलब जो दोनों पेयर का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना. ठीक है, अगर एचसीएफ अगर 1 हो जाए, अगर पेयर जो दोनों पेयर का एचसीएफ, कोप्राइम मतलब हो गया आपका कि पेयर जो आपका दिया हुआ रहेगा कोप्राइम नंबर. ठीक है, को प्राइम नंबर इसमें क्या होगा आपको जो एचसीएफ जो रहेगा आपका, एचसीएफ जो लेना है वो हमेशा आपको क्या होना चाहिए, उस पेयर का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. अब देखते हैं हम लोग एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. तो 14 और 35 में देखिए इसका जो है एचसीएफ 1 नहीं होगा क्योंकि 14 और 35 में आप देखिए 7 जो है इसका कॉमन पार्ट है. तो यहाँ पे इसका एचसीएफ हो जाएगा 7. तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन में. उसके बाद आपको ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है. डिस्कार्ड का मतलब हो गया कि इसको ऑप्शन को आपको हटाना है. ठीक, कैसे, आपको अपना लॉजिक से आपको ऑप्शन को हटाना है. जैसे 1435 नहीं होगा बिकॉज द एचसीएफ ऑफ 1435 इज नॉट 1, दैट इज द 7. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द डिस्कार्ड. ओके, सो 1825 यहाँ पे 18 और 25 का ये होगा, 18 और 25 का होगा क्योंकि बिकॉज 18 और 25 में जो कॉमन फैक्टर हाइएस्ट है वो कितना है, 1 है. तो यहाँ पे जो होगा इसका एचसीएफ 1 है, दैट्स वाई ये जो होगा ये सही हो जाएगा, ये मेरा सही है. ठीक है, ये देखना है. और आगे हम लोग देखते हैं 3193, इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ देखिए 3 होगा, इसका एचसीएफ जो होगा 3, और ये तो हो नहीं सकता. ये देखिए 3262, इसका एचसीएफ कितना है, 2 है, तो ये नहीं हो सकता. तो आपको ये समझ में बात ये आ जाना चाहिए कि जो इस क्वेश्चन का जो है हमको अगर को प्राइम नंबर आपको सेलेक्ट करना हो तो आपको ये जो आंसर होगा क्या होगा, 1825, बिकॉज वी नो दैट द कोप्राइम मींस द एचसीएफ ऑफ अ पेयर मस्ट बी 1, दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन दैट इज द बी. सो यू शुड कीप इट माइंड दैट इज द व्हाट इज द कोप्राइम नंबर.
ओके सो व्हाट इज द कोप्राइम नंबर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो यू शुड अप्लाई इन अनदर क्वेश्चन. सपोज आपके मान लेते ये क्वेश्चन नहीं था, मैथमेटिकल में बहुत सारा प्रॉबिलिटी होता है कि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन ये आपको है कि अप्रोच करना है. अगर कोप्राइम हो तो कोप्राइम में ऐसा अप्रोच करना है, एससीएफ जो है क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए. तो स्टूडेंट ये शायद आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये समझ में आपको शायद आ गया होगा. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा जो है हम एक क्वेश्चन आपको सिखाते हैं. ये कोप्राइम नंबर का था, एक क्वेश्चन नेक्स्ट देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है. आज हम थोड़ा नंबर के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर. आपको क्या करना है, कौन सा नंबर जो है इसे प्राइम नंबर है उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है. तो इसमें ऑप्शन है, आपको ऑप्शन है, ये है ऑप्शन में दिए हैं. मान लेते हैं ये दिया हुआ है टेन दिया हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट नंबर जो दिया हुआ है सेवन एटीन दिया हुआ है. नेक्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है, सॉरी ये ए बी सी लिख देते हैं, ए और ये रहा बी और ये रहा सी, ये रहा नेक्स्ट है ट्वेंटी है, और डी ऑप्शन जो है हम दे देते हैं क्या है टू दे देते हैं, ओके. तो स्टूडेंट्स आपको जो है आपको इस तरह के आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा. आपको क्यों, अगर आप जो है अगर इसको सबसे पहले आपको देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर टू है ये, क्वेश्चन नंबर टू. तो सबसे पहले देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम. तो प्राइम मीन्स व्हाट, डू नो अबाउट द प्राइम, प्राइम मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स मस्ट बी वन. आपके पास जो नंबर है वो होना चाहिए, वो नंबर और जो एक वन और सेम नंबर होना, जैसे मान लेते थ्री है, थ्री इज द प्राइम नंबर, वन और थ्री और टू. एक देखिए जितनी प्राइम नंबर का कुछ हम प्रॉपर्टी बताते हैं आपको, ठीक है. प्राइम नंबर जो है आपका जो उसका जो नंबर ऑफ डिविजर्स होगा मात्र दो होगा. नंबर ऑफ डिविजर्स कितना होगा, दो होगा. और आपको प्राइम नंबर के लिए आपको याद रखना पड़ेगा आपको किसका प्रॉपर्टी, जितने भी प्राइम नंबर होता है सारा का सारा प्राइम ऑड नंबर होता है. सबसे पहला सिर्फ एक्सेप्ट टू, टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ इवन है, बाकी सारा प्राइम नंबर क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है. आपको गलती से कहीं भी आपके दिमाग में अगर ये आ जाए कि जो अगर कहीं अगर ऑप्शन कहीं अगर आपके पास मान लेते ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए आपके पास, ठीक है, कि ये मान लेते थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिट दे दिया जाए, ये 2021, ठीक है, जैसे हो गया आपका 9430 9430764018, ये नंबर तीन ऑप्शन आपको दे देते हैं. एक हो गया फिर से जो है ये 9801826, ठीक है, और उसके बाद जो है 802, ये आपको जैसे ही और एक क्वेश्चन और देते हैं आपको जो है एक और क्वेश्चन देते हैं आपको 30 कुछ भी देते हैं यहाँ पे 448, ठीक है. आप देखिए यहाँ पे इस आपकी दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, दिमाग में ये तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए क्या कि ये जो है सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये जितना भी प्राइम नंबर होता है वो सारा प्राइम नंबर जो होगा वो कैसा होगा, सारा ऑड प्राइम होगा, सिर्फ एक ही इवन प्राइम होता है, सिर्फ होता है टू इवन प्राइम. तो ये देखिए ये तो ये है आपका कैसा नंबर, ये जो है आपका ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी ऑड, ये ऑड नंबर है. अब आपको दिमाग में ये रखना है कि ये सारा तो हो नहीं सकता क्योंकि प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है, ऑड होता है. तो ऑड नंबर ये है, आपको ये चेक करना चाहिए. आप बोलिए आप पूछ सकते हैं कि सर हम इसको चेक कैसे करेंगे, आपको हम एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं हाउ टू चेक प्राइम नंबर, आप उस वीडियो को हम आप देख सकते हैं, उसको हम लिंक में डाल देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उसको हम डाल देंगे उस लिंक को. आप बड़ा बड़ा नंबर को हाउ टू चेक प्राइम नंबर आप वहाँ से देख सकते हैं. कोई बड़ा बड़ा नंबर जैसे हो सकता है कि अपना मोबाइल नंबर हो, जो भी हो, जैसे कि अपना मोबाइल नंबर को चेक करें वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, आपको वहाँ से मिल जाएगा आपको. और मेरा भी मोबाइल नंबर जो है प्राइम नंबर है कि नहीं वो आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है. तो आप क्या करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाएं और वहाँ पे हाउ टू चेक द प्राइम नंबर की कॉन्सेप्ट को वहाँ पे सीखें. तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं प्राइम नंबर को. सबसे पहले आपको प्राइम नंबर, ये तो प्राइम नंबर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये कैसा नंबर है, ये आपका ऑड इवेंट नंबर है. ये भी नहीं हो सकता, ये भी इवेंट नंबर, ये भी नहीं हो सकता, ये होगा क्योंकि ये जो है टू इज द ओनली इवेन प्राइम नंबर, बाकी सारा प्राइम जो होता है वो कैसा नंबर होता है, आपको ऑड होता है, ठीक है. तो आपको इस तरह करके आपको क्वेश्चन बनाना आपको सबसे बड़ी डिफिकल्ट अब ये नहीं है, क्वेश्चन को आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को आप पढ़ वो सब एक्सप्लेनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो आपको इस तरह के आपको ताकि ये क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं, यही तो आप इसके इसके जगह में कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है. तो आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे है
क्वेश्चन नंबर थर्ड हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इफ ए इक्वल्स टू, हम ये क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर टू है, इफ ए इक्वल्स, क्वेश्चन थर्ड है, इफ ए इक्वल्स टू दिया हुआ है टू पी पावर टू, टू स्क्वायर थ्री क्यूब, टू स्क्वायर थ्री क्यूब, टू टू स्क्वायर थ्री क्यूब एंड फाइव टू दी पावर फोर, ठीक है। ये एक नंबर ऐसा है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू दिया हुआ है वो क्या है, अब टू पी पावर क्यूब, टू पी पावर क्यूब इंटू थ्री का स्क्वायर इंटू फाइव, थ्री का स्क्वायर इंटू फाइव। आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना, आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा इसका, और इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन में दिया हुआ है 90, 180, 90, 180। नेक्स्ट है ऑप्शन थर्ड जो है वो है 360 एंड 540। अब यहाँ पे आप बनाइए, एस सी एफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। जब भी आपको एस सी एफ नंबर का निकालना हो तो आपके पास बहुत सारा मेथड होता है। सबसे पहला आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, नेक्स्ट है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको एस सी एफ निकालना है, और यहाँ पे आप एस सी एफ अगर आपको फ्रैक्शन में दिया तो वहाँ से भी निकालता है। एस सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, मतलब फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट वाला टर्म। तो आप देखिए यहाँ पे टू स्क्वायर है, यहाँ पे टू पर क्यूब, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग के पास क्या कॉमन मिल जाएगा, हाईएस्ट टू स्क्वायर, ओके। हम लोग के पास ये क्या मिल जाएगा, टू स्क्वायर हाईएस्ट है ये, ओके। और नेक्स्ट जो है हम लोग के पास जो है नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, थ्री क्यू थ्री स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा, थ्री स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, थ्री स्क्वायर, ओके। और ये आ जाएगा फाइव पे पावर फोर, यहाँ पे मतलब एक फाइव आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, कितना आ जाएगा, फोर प्लस फोर इंटू नाइन, थर्टी सिक्स इंटू फाइव, ओके। थ्री थ्री जै नाइन फोर, थर्टी सिक्स इंटू फाइव, तो थर्टी सिक्स इंटू फाइव स्टूडेंट क्या होगा, फाइव सिक्स थर्टी फाइव थ्री जस 180 होगा इसका आंसर स्टूडेंट। तो आपको एस सी एफ में आपको दिमाग में रखना है कि एस सी एफ कैसे निकाला जाता है। यहाँ से आपको हम तीन चार चीज़ बता देते हैं कि एस सी एफ और फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। मान लेते अगर आपको कभी एग्जाम में आ जाए कि बताइए 4/5 एंड 8/10 का एस सी एफ क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे आपको एस सी एफ निकालने के लिए आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपको एस सी एफ निकालना हो फ्रैक्शन का, तो ये जो होता है वो एस सी एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एस सी एफ इक्वल टू क्या होता है, एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये आपका ये आ जाएगा एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा। अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए क्या होगा, आपको एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर आपको ऐसे ही निकालना है। एलसीएम का मतलब हो गया आपका ऊपर वाला पार्ट को एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ का मतलब हो गया कि अगर जो एस ये हो जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ओके डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाता है, यहाँ पे आपको ये सब सारा चीज़ आपको एमसीक्यू के थ्रू से होगा, एक रिलेशन भी आता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या होगा, याद होना चाहिए आपको, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये इसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी बोलते हैं हम लोग, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखना होगा, आपको दो ही नंबर के लिए इसको अप्लाई करें, आप तीन नंबर के लिए आपको कंडीशन बनता है, वो आपको कंडीशन आपको सिखाएंगे हम आपको। तो ये चीज़ आपको याद है, इसमें क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि आपको एस सी एफ दे फाइंड करने आपको दे सकता है, या तो एस सी एफ एल सी एम दे देगा, फर्स्ट नंबर दे देगा, सेकंड नंबर फाइंड करना, ये सारा क्वेश्चन यहाँ से आपका इस टॉपिक से यहाँ पे इशू होगा आपका, ठीक है। तो इस आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड से हम सिर्फ आपको आंसर नहीं बता रहे, सारा एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं आपको, और टॉपिक बाय टॉपिक। तो आपको इसी तरह करके आपको एक्सप्लेन कर करके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपको जो है कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए इस टॉपिक से तो आप अच्छे से उसको बना सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये तो मेरा एस सी एफ एल सी एम का क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, हम एमसीक्यू क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे, आपको ये सब सारी चीज़ को प्रैक्टिस करना है घर पे, और ये सब जो है आपका सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से सब्जेक्टिव भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है कि एच सी एफ ऑफ आप क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, एच सी एफ ऑफ
2p पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ओके, ये इंटू का सिंबल है, एंड दूसरा है 2 स्क्वायर 3, दूसरा टर्म्स है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ओके, और एक और लास्ट टर्म है क्या, एंड 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 4 इंटू क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7, ओके। आपको यहाँ पे तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है कि आपको इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है आपका 30 है 48 है 30, बी है ऑप्शन 48, सी ऑप्शन जो है 60 और डी ऑप्शन जो है वो 105 है। आप इसको देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। आपको एचसीएफ का मतलब बताया आपको हाईएस्ट कॉमन आपको फैक्टर होना चाहिए, मतलब तीनों में आपका वो तीनों टर्म में आना चाहिए। आप देखते हैं हमको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना इसका 2p पावर 3 है, यहाँ पे 3 इंटू क्या है 5 है, ये दूसरा टर्म क्या है आपका 2 स्क्वायर इंटू 3p पावर क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, ये है, और अगला टर्म क्या है 2p पावर 4 इंटू 3p इंटू 3 इंटू 5p पावर 4 इंटू 7। जो चीज़ तीनों में नहीं है उसको हमें पहले से हमको काट देना है, ठीक है, मिनिमम पावर को हमको लेना है। 7 तो तीनों में नहीं है, ये तो पहले से आपका डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब बच क्या गया, हमको बच गया क्या 2 के ऊपर फोकस करना। आप देखिए यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 4, हाईएस्ट पावर जो है आपको पूरे तीनों में हाईएस्ट पावर क्या मिला, 2 स्क्वायर मिला आपको, क्या मिला 2 स्क्वायर मिला, ये मिल गया। अब 3 में देखिए आप, यहाँ पे 3p पावर 1 है, यहाँ पे 3p पावर क्या है आपका 3 है, और यहाँ पे 3p पावर क्या है 1 है, तो 1 3 मिलेगा आपको हाईएस्ट तीनों में। और नेक्स्ट है 5 पे देखिए, यहाँ पे 5p1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो आपका तीनों में कॉमन क्या होगा 1 मिलेगा। आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 4 60, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये स्टूडेंट्स आपको इस तरह करके आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को, ठीक है, और आपको ये जो है अपने एग्जाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको सारा चीज़ को ऊपर फोकस करना है, और एमसीक्यू पर अगर फोकस करें तो आपका थ्योरी पार्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, आपका छोटा मोटा डिफिकल्टी होगा आपका वो सारा डिफिकल्टी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव में है क्या, एलसीएम जो है एलसीएम ऑफ जो है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 और एंड 2p पावर 4 एंड 2p पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 इज। अब यहाँ पे इसको आपको एलसीएम निकालना है, तो पहला ऑप्शन है क्या 40, नेक्स्ट ऑप्शन है ए का है 40, बी का ऑप्शन जो है 560 और सी ऑप्शन जो है आपका 60 हो गया 1120 और डी ऑप्शन जो है 105। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। अब आपको हम एलसीएम की कॉन्सेप्ट बताते हैं, एलसीएम का मतलब लो आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा आपका। तो यहाँ पे आप देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे उसमें तो हाईएस्ट आता है, इसमें लोवेस्ट आएगा आपका। तो सबसे पहले जो आएगा इसका यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, ये तो पहला टर्म्स आपका क्या है 2p पावर 3 है इंटू क्या है 3 इंटू 5 है और 2p पावर क्या है 4 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको लोवेस्ट निकालिए, क्या लोवेस्ट होगा इसमें, तो लोवेस्ट वाला पार्ट में क्या आ जाएगा बताइए, और इसमें 5 और 7 और सारे को उसको हमको मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको बनाना है और इसको बताना है कि आपका ये आंसर क्या आएगा, जैसे आपको हम बताए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का, ठीक है। और या तो आप क्या कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो अपना बेसिक फंडा अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको आपको आता है 2 इंटू ये जो बच्चे में आप पढ़े होंगे 3-4 में 2 इंटू 3 इंटू 5 ये है, और ये आ जाएगा क्या 2p पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, ये बच्चा वाला रूल है, आप इससे भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए एलसीएम जो लेते हैं बच्चे ऐसे लेके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा बताइए। सबसे पहले जो इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2p पावर 3 बाहर कर लेते हैं इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p तो खत्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 5 और ये आ जाएगा 2p पावर 1 बचेगा, एक तो बाहर आ गया आपका 5 इंटू 7। अब फिर से हम लोग लेते हैं, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग तो इसको
फाइव बाहर निकाल लेते हैं, फाइव अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, थ्री आएगा, यहाँ पे टू आएगा, इंटू सेवन है। अब देखो हम लोग एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे ही एलसीएम निकाले, तो आपको अपने दिमाग आप टू डेट करना है कि आपको कैसे आपको दिमाग पे इसको आपको आगे बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपको बनाना है। यहाँ पे आ जाएगा कितना, टू का क्यूब आ जाएगा एट, ये आ जाएगा फाइव इंटू, ये आ जाएगा सिक्स इंटू सेवन, तो ये आ जाएगा ये फोर्टी आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर्टी टू आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जीरो होगा, और ये होगा फोर टू ज़ा एट, फोर वन सिक्स एट जीरो, आई थिंक समथिंग इज something is wrong, I think. Wait, let me check. Yes, yes, question 1680, that is the right. Okay, so I think here is the option number D is, you should correct it, option number D. Okay, so option number D आपका सही है, ये question हम सही था, option number D में मेरा वो 1680 था, तो ये student ये इसका option जो होगा ये होगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है अगर आप चाहते हैं कि और सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैं आपसे आपको मिले, तो आपको एक चैनल पे आपको हमेशा जो है रहना है आपको, ताकि आपको सारा चीज़ जो है आपको एमसीक्यू बेस्ड आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ आपको मिलते रहे, ठीक है, जैसे आपको अभी बताया। सो दैट्स दैट इज द दैट्स इनफ फॉर दैट क्लास। ओके, आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर हम इसका आगे पार्ट अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।